भाजपा के बूथ अध्यक्षों के सम्मेलन में शामिल होने के लिए कन्नौज पहुंचे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने बूथ अध्यक्षों को संबोधित करते हुए कहा, कांग्रेस पार्टी तो खुद ही डिलीट हो गई है, उनके नेता क्या बक बक करते, कुछ पता ही नहीं चलता। आज तक 56 साल में उनको लोग कहते मेच्योर नहीं हो पाए, 56 साल में 4 साल बचा है रिटायर होने में। अगर सरकारी नौकरी लेती 4 साल बाद रिटायरमेंट हो जाता, अभी तक मेच्योर नहीं हो पाए, पेंशन पर जाने का वक्त आ गया है। और उनके जोड़ीदार दूसरे लड़कों की जोड़ी भी उसे कम नहीं है, उनको भी पिताजी की वजह से सत्ता मिल गई। लेकिन कन्नौज का हाल क्या आप अच्छी तरह जानते हैं, इसलिए मैं आपके बीच में कहने के लिए आया हूं, हमको तुलनात्मक अध्ययन करना कौन बेहतर है। गुंडे की अराजकता, भ्रष्टाचार, इन सबको बढ़ावा देने वाले लोग, या भारतीय जनता पार्टी जो भारत माता को सर्वोपरि मानते हुए भारत का झंडा दुनिया में सर्वोच्च शिखर पर फहराने का काम, उसका उदाहरण आपको देना चाहता हूं। मोदी जी से पहले जब भी भारत पर आतंकवादियों ने हमले किए, दुश्मन देश के माध्यम से हमले किए, उस समय के प्रधानमंत्री कहते थे अब की बार आओगे तो बताएगी, आगे नीचे चेतावनी। लेकिन जब पुलवामा में अटैक हुआ तो मोदी जी ने पाकिस्तान में बैठे आतंकवादियों को समूल नष्ट करने का काम किया था, पूरी दुनिया ने देखा। कि देश में लोकसभा का चुनाव इंडिया गठबंधन और भारतीय जनता पार्टी के बीच में है। प्रधानमंत्री मोदी ने 10 साल में भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए जो योजना चलाई है उससे गरीब आदमी का जीवन का स्तर उठा है। इंडिया गठबंधन पर निशाना साधते हुए ब्रजेश पाठक ने कहा कि विपक्ष के समय की सरकार भ्रष्टाचार में डूबी हुई थी, ये पूरा भारतवर्ष जानता है। खेलों में घोटाला, कोयला घोटाला, सेना के जवानों के साथ घोटाला, पुलवामा अटैक के बाद मोदी की 56 इंच की छाती का ही कमाल था कि पाकिस्तान में घुसकर आतंकवादी केंद्र को नष्ट किया था। डिप्टी सीएम ने कहा कि भारत दुनिया में जो कहता है कि उसकी बात पूरी दुनिया में सुनी जाती है, ये है मोदी का भारत। जब जब सपा की सरकार रही है, भाई भतीजावाद भ्रष्टाचार चरम पर रहा है, सपा की सरकार में दंगे हुए हैं, भाजपा की सरकार में गुंडे गले में तख्ती लगा कर घूमते हैं, अपराधी कहते हैं कि हम सभी बेच लेंगे और लेकिन हमें जेल मत डालना, हम सब्जी बेच लेंगे, इस तरह की बातें अपराधियों के द्वारा कही जाती हैं। इसके साथ ही उन्होंने मंच से भाजपा प्रत्याशी को जिताने की अपील की। उन्होंने लोगों से वादा किया कि मैं भरोसा दिलाता हूं कि बीजेपी सभी को अपने परिवार की तरह रखेगी। कन्नौज से मनोज गुप्ता की रिपोर्ट।